अपने आप में सभी लोग सहम से जा रहे होंगे ये बात सोच कर कि कितनी दरिंदगी से ये मर्डर किया गया है। तो आप सोचिए जो लोग उससे जुड़े हैं उन पर क्या बीत रही होगी। आशा कि अफ्ताब उस पर हाथ उठाता है और टॉक्सिक रिलेशन में श्रद्धा जी रहती है, ये पीछे एक ब्लैकमेलिंग का कारण हो सकता है जिसकी वजह से श्रद्धा मजबूरन उसके साथ, क्योंकि श्रद्धा को मौत का डर जैसा बताने लग गया था कि ये सिर्फ एक लव एंगल नहीं हो सकता, एक लवर अगर होगा तो मतलब बात होगा, विवाद होगा, है ना, संवाद होगा, दूरियां बन जाएंगी, रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन किसी का इतना क्रूरता से मर्डर कोई नहीं करेगा। मर्डर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है, और मर्डर करना एक बहुत बड़ी चीज है, और उससे बहुत ज्यादा बड़ी चीज है कि उसको किस टुकड़े करना, उससे भी बहुत ज्यादा बड़ी चीज है जी कि अकेले करना, उससे भी बहुत बड़ी चीज है कि फ्रिज लाकर उसको फ्रोजन तरीके से रखना, उससे भी बड़ी चीज है उसी घर में रहना, उससे भी बड़ी चीज है कि एक एक करके उन टुकड़ों को जंगल में कहीं फेंक देना। दो दिनों से लगातार मीडिया पे और पूरे देश में एक मुद्दा छाया हुआ है, श्रद्धा मदर केस का। श्रद्धा मुंबई के वसी में रहती थी और एक लड़के से उसको प्रेम होता है, बाद में घर वाले जब राजी नहीं होते हैं तो उस लड़के के साथ में जाके दिल्ली में शिफ्ट हो जाती है, जिसके कुछ दिनों बाद जब वो एक्टिव नहीं दिखती है, घर वाले उनको फेसबुक पर हमेशा एक्टिव देखते थे, जब नहीं दिखती है तो उसकी तलाश करते हुए दिल्ली पहुँचते हैं और शक होने पर पुलिस में कंप्लेन करते हैं, और जिसके बाद जब पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो एक खौफनाक मंजर सामने आया। श्रद्धा का हत्या करके उसके 35 टुकड़े किए गए और उसे आफ्ताब ने अलग अलग जगहों पे फेंकना शुरू कर दिया था। एक बहुत ही खौफनाक प्रेम और हत्या है, कुछ लोग इसे लव जिहाद भी कहते हैं, और क्यों ना कहें कि पूरा मामला ही कुछ ऐसा ही है। वसई में जब श्रद्धा थी तो वसई के विरार के विवा कॉलेज में पढ़ती थी, वो पत्रकार बनना चाहती थी, एंकर बनना चाहती थी, थिएटर में भी काफ़ी एक्टिव थी, कई सपने थे, लेकिन आफ्ताब के साथ जब उसका प्रेम हुआ उसमें बदलाव आना शुरू हो गया। बदलाव ऐसा आना शुरू हुआ कि अपने घर वालों को छोड़ के दिल्ली में जाके आफ्ताब के साथ में रहने लगी। हमारे साथ में है रजत शुक्ला जी, उनके साथ में ही थे, काफ़ी करीबी थे, उनके दोस्त थे। आज उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को रखा जिसके बाद सभी मीडिया पे चलाया जा रहा है। हम उनसे सीधा बात करेंगे कि आखिर श्रद्धा कैसी थी और उसके जीवन में आफ्ताब कैसे आया और क्या बदलाव हुआ, क्या कहेंगे आप जब आपने सुना ये पूरी घटना जी, तो आपको शुरू में कैसा लगा? देखिए, तुरंत ही अपने आप में ये जी झंझोड़ देने वाली बात है, आत्मा काप चुकी थी। मतलब जिस क्षण मैंने देखा है कि ये जो खबर है वो चित्र दिखा पहले श्रद्धा का, बाद में पढ़ा और फिर उसके बाद श्रद्धा का नाम देखा तो दुर्भाग्य जैसा लगा, ऐसा लगा कि ये किसी करीबी के साथ हुआ है। और जब यूं ही अगर आज मेरे ख्याल से पूरा देश जब ये खबर देख रहा है, अपने आप में सभी लोग सहम से जा रहे होंगे ये बात सोचकर कि कितनी दरिंदगी से ये मर्डर किया गया है, तो आप सोचिए जो लोग उससे जुड़े हैं उन पर क्या बीत रही होगी। तो ऐसा ही कुछ बीता था मेरे ऊपर। जब वो कॉलेज में थी, आप भी साथ में थे जी, आफ्ताब और श्रद्धा का जो रिलेशनशिप शुरू हुआ जी, आपको कब पता चला जी, आपको मालूम था? तो 2015 से 18 तक हम साथ थे, तो 15 से 18 तक, मतलब 18 के थोड़ा पहले आधा समय आप मान लें कि श्रद्धा का बर्ताव जो था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी वेलकमिंग नेचर की थी, एक्टिव थी, स्ट्रांग थी, उसके अपने ओपिनियंस थे, वो काफ़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी हमारे, मतलब मेरे साथ में उसने थिएटर किया है और हम लोगों ने कई बड़े स्तरों पे परफॉर्म भी किया है। लेकिन उसके बाद 2018 में कहीं ना कहीं उसके अंदर से ये जो स्पार्क है वो मिस होने लग गया, वो कहीं ना कहीं अलग बर्ताव में लोगों को नजर आने लगी, कहीं रिजर्व्ड हो गई, वही इंसान जो बड़ी वेलकमिंग थी लोगों के लिए, उसके एक से अधिक और अधिक से बहुत सारे दोस्त बनने लगे थे जो शुरुआत से ही जब से आई थी वो अब सीमित हो चुकी थी। और सीमित होने का कारण शुरुआत में हम नहीं जान पाए थे, पर 2019 में जब
पता चला कि अफ्ताह के साथ में वो रिलेशन में आई है, तो कुछ दिन बाद हमको ये भी पता चला कि वो एक्चुअली अफ्ताह के साथ रिलेशन में 2018 से ही आ गई थी और सीक्रेट था रिलेशनशिप, लेकिन 2019 में जाके उन्होंने ऑफिशियल किया है उसे और कुछ दिन शुरुआत में अच्छी अच्छी बातें पता चली और उसके बाद में फिर कालांतर में ये पता चला कि अफ्ताह उस पर हाथ उठाता है और टॉक्सिक रिलेशन में श्रद्धा जी रही थी, ये कुछ दिन में पता चला। कोई शिकायत पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ किया गया? नहीं नहीं, इस बात को इतना संजीदगी से नहीं लिया गया था, लोगों को लगा था कि श्रद्धा को भी यहाँ तक यही लगा था कि प्यार में सेक्रीफाइस वगैरह बहुत ज़रूरी होता है, इसको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत दुर्भाग्य है कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, मैं आज तक मुझे इस पर लॉजिक नहीं बैठता। इंसान जब आपको आज इसके साथ है उसके साथ में अगर इस तरह के जब कुछ व्याख्या होने लगे तो मेरे ख्याल से दूरी बनाना बहुत अति आवश्यक है। लेकिन मुझे लगता है श्रद्धा इतनी भी कोई ना समझ नहीं थी कि उसे ये बात नहीं समझ में आती, लेकिन साथ ही साथ ये मुद्दा भी है जो कहीं ना कहीं मन में आता है कि जब श्रद्धा बोल्ड थी, एक्सप्रेसिव थी और प्रैक्टिकल माइंडसेट की लड़की थी, तो वो क्योंकि एक लड़के के साथ फंस गई है या फंसने वाली बात है, ये सब जो चीज़ें हैं ये जो की जा रही है ये मुझे थोड़ी बेबुनियादी लगती है। एक ही बात कहीं ना कहीं खटकती है, ये मन में आता है कि हो सकता है कोई बहुत बड़ा कारण रहा हो, कोई ब्लैकमेलिंग का कारण हो सकता है जिसकी वजह से श्रद्धा मजबूरन उसके साथ थी। क्योंकि श्रद्धा ने जो रिवील किया था कि शुरुआत में उसने बताया था कि वो वॉयलेंट होता है, हाथ उठाता है, फिर 2021 के आसपास में बात हुई थी कि वो मतलब बोलते ना काफ़ी एग्रेसिव होके मतलब श्रद्धा को मौत का डर जैसा सताने लग गया था। और हाल की बात है जब श्रद्धा का जो बचपन का दोस्त है लक्ष्मण, उसने जो बयान दिया उस पर ये है कि श्रद्धा ने उसको मैसेज किया था कि आप मुझे प्लीज़ यहाँ से ले चलें, क्योंकि अगर आप मुझे अभी यहाँ से रेस्क्यू नहीं कर लेते हैं तो ये मुमकिन है कि आज रात अफ्ताह मेरा मर्डर कर दे। तो ये कहीं ना कहीं पहले से एक बार ऐसा हो गया था कि इसका नॉलेज लोगों को हुआ था, पर फिर भी लोग गुस्से में ये सब चीज़ें करते हैं, लोग कह देते हैं किसी को मैं तेरी जान ले लूँगा, पर कोई जान ले नहीं लेता है। तो शायद लोगों ने सीरियस नहीं लिया था उस मामले को उस वक्त, लेकिन फिर अफ्ताह ने आखिरकार मर्डर कर दिया। अब देखिए, अब इसको फिर से मैं अपने शब्दों को सारे को समेट के ये कहूँगा कि ये सिर्फ एक लव एंगल नहीं हो सकता। एक लवर अगर होगा तो मतलब बात होगा, विवाद होगा, है ना, संवाद होगा, दूरियाँ बन जाएंगी, रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन किसी का इतना क्रूरता से मर्डर कोई नहीं करेगा। मर्डर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है जी। और मर्डर करना एक बहुत बड़ी चीज है और उससे बहुत ज्यादा बड़ी चीज है कि उसको 35 टुकड़े करना, उससे भी बहुत ज्यादा बड़ी चीज है जी कि अकेले करना, उससे भी बहुत बड़ी चीज है कि फ्रिज लाकर उसको फ्रोजन तरीके से रखना, उससे भी बड़ी चीज है उसी घर में रहना, उससे भी बड़ी चीज है कि एक एक करके उन टुकड़ों को जंगल में कहीं फेंक देना, डिस्पोज कर देना, और उससे भी बड़ी चीज है कि दुनिया के सामने बिल्कुल उसके मुंह पे कोई शिकस्त ना दिखे, ऐसे बर्ताव में रहना। तो ये मानसिकता आप सोचिए अपने आप में कितनी क्रूरता भरी है। तो ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। आपने कहा लव जिहाद का एंगल बताया था, मैं कहता हूँ ये इंसान टेररिस्ट भी हो सकता है। ये किसी मिशन तहत ये शायद अंजाम दे रहा है, श्रद्धा का केस आज सामने आया है। अगर तहकीकात की जाए तो शायद पता चले कि उसने इसके पहले और पता नहीं कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है, कितने लोगों का शायद कत्ल भी किया होगा, या कौन कौन और ऐसे लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हैं। क्योंकि 35 टुकड़े काटना एक लड़की का, मुझे नहीं लगता अकेले का उसका बस है। श्रद्धा इतनी भी कमजोर नहीं थी कि वो चिल्ला नहीं सकती, वो कोई एकदम आइसोलेटेड जगह पे नहीं रहते थे, वो एक बस्ती में रहते थे। एक इंसान का मर्डर हो जाना ये अपने आप में बहुत सारे सवाल पैदा करता है। लव जिहाद का जो एंगल तैयार हो रहा है जी, जो कहा जा रहा है कि एक लव जिहाद है, आपने भी कहा एक मिशन है, आपको क्या लगता है कि ये पूरा पहले से प्लान किया गया था या श्रद्धा को फंसाया गया है मैं प्यार नहीं कह सकता इसको, क्योंकि प्यार ऐसा नहीं होता।
इसमें हो सकता है कि दो नौजवान थे और वो लोगों को एक दूसरे का साथ पसंद था। इसको लोग अपने अपने शब्दों में जिस भी तरह बयान करना चाहें करें, प्रेम तो नहीं है, प्रेम ऐसा होता ही नहीं है, प्रेम ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप जिससे प्रेम करते हैं, आप उसकी शुभकामनाएं करते हैं कि वो उसको एक छोटी सी भी कहीं खरोच ना लगे। यदि खरोच लग जाए तो आपके दिल को ठेस पहुंच जाती है, आपको दुख हो जाता है। तो आप कहाँ से सोच भी सकते हैं कि कोई इंसान जो प्रेम में था, कभी था, ये कभी वाली बात की, एक क्षण के लिए भी था, ये बात का विश्वास नहीं होता। ये कहीं हो सकता है श्रद्धा को प्रेम हो गया हो, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये लड़का पूरा क्रिमिनल माइंडसेट का है और इसने जिस तरीके से क्रूरता से मर्डर किया है, मैं ना सिर्फ ये समझूंगा कि वो क्रिमिनल माइंडसेट का था जिस वजह से उसने चीजें की है, इससे बहुत आगे कि वो और कौन है, उस तहकीकात किया जाए, जाना जाए कि वो किन लोगों से कांटेक्ट रखता था, किन लोगों से ऐसे कनेक्शन हैं, कहाँ उसका उठना बैठना, पर सभी चीजें मेरे ख्याल से जानने की जरूरत है। सर जी, एक सवाल पूछूंगा आपसे कि आप साथ में थे, आपने समय दिया है, अगर अफताब से श्रद्धा नहीं मिलती तो आज वो क्या होती? कुछ कोई सपना देखी थी या कुछ करना बिल्कुल चाहती? बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल उसमें काफी स्पार्क जी था, जी जी तो क्या लगता था आपको किस दिशा में आगे बढ़ती, क्या होती? श्रद्धा जो चाहती वो कर सकती थी। श्रद्धा थिएटर में थी, काफी एक्सप्रेसिव थी, स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी, शायद मीडिया में भी हो सकती थी, वो जर्नलिस्ट बन सकती थी अच्छी खासी। लेकिन एक औसतन जीवन चुन लिया उसने, एक एक बीपीओ में काम करने लगी थी वो, जहाँ जाकर बस काम करती थी और बाकी उसका जो जीवन था वो अफ्ताब के ही इर्द गिर्द घूमने लग गया था। तो ये जो सीमित हो जाना श्रद्धा का था, ये अपने आप में बयां करता है कि एक असीमित होना जिस व्यक्तित्व को शायद मेरे ख्याल से आशीर्वाद के रूप में मिला था, वो जब सीमित हो जाए तो उसके पीछे का जो इन्फ्लुएंस है वो कोई बहुत बड़ा ही होगा। तो आफ्ताब का इन्फ्लुएंस क्या था ये जानना जरूरी है, और क्या वो प्रेम था या प्रेम प्रेम सिर्फ एक दिखावा, उसके आगे कुछ और था, मेरे ख्याल से ये भी जानने की जरूरत है। आप जिंदगी में कहाँ से है? क्या उस कॉलेज में था नहीं, तो क्या कॉल सेंटर में मिला या फिर कहीं और नहीं, मिला अभी कैसे? देखिए दो चीजें सुनने में आती हैं, पहले कि वो डेटिंग साइट पे मिले और दूसरा कि वो कॉल सेंटर में मिले। अब ये बात हम लोगों ने कभी पूछी नहीं थी, क्योंकि हम लोग दो लोगों को देख रहे थे, दोनों परिपक्व थे, दोनों समझदार थे, बालिग थे और अपना अच्छा वाला समझते थे। तो इसलिए हम लोगों ने दो लोगों को देखा तो बस एक प्रेमी के रूप से देखा, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये लोग कहाँ से मिले, उन्होंने ज़्यादा आप तहकीकात नहीं मिले की थे थी। आपसे? मैं नहीं, पर मेरे साथ कुछ साथी लोग थे जो लोग मिले थे, जी और उन लोगों ने जो भी चीज़ें बताई है आफ्ताब के बारे में, उसके अनुसार आफ्ताब एक साधारण चेहरे वाला इंसान था। मतलब उसको देख कर आप ज़्यादा भाप नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली उसके मन में क्या है, वो किस तरह का इंसान है। कुछ लोग होते हैं एक्सप्रेसिव होते हैं, उनकी चार बातें होती हैं जिसको आप सुनकर आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान किस मानसिकता का है, क्या सोचता है, क्या उसके उसकी राय है अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। ये रिजर्व था ये लड़का, ये बहुत बातें बाहर नहीं आने देता था अपने व्यक्तित्व के बारे में। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे था, जी आपको क्या लगता है कि अपने धर्म को छोड़ के किसी और धर्म में प्रेम या करना चाहिए या शादी करना चाहिए? मुझे देखिए आपको क्या लगता है? देखिए जैसे कि अभी आपने ये जो सवाल किया तो मेरा जवाब साफ होगा कि श्रद्धा के पिता या कि श्रद्धा के परिवार वाले भी उनका जो कहना है इस बारे में, उससे रिलेटेड आपको मैं कमेंट करके बताता हूँ कि हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन हमारी जो सभ्यता है वो हमारे लिए आज भी सर्वोपरि है। तो जाति धर्म संप्रदाय इसका आज ही बहुत बड़ा मूल है हमारे देश में, जिसकी वजह से रिश्ते आज भी जीवित हैं, ना कि बाकी दुनिया में। आप देखेंगे कि सभी रिश्तों का कुछ अता पता नहीं है, कितने डाइवोर्सेस हो जाते हैं, कितनी शादियां हो जाती हैं, और लोग 40-50 साल में पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं। तो आज अगर हमारा देश किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। तो अब हाँ, अब जहाँ तक बात रही कि प्रेम के कोई दायरे वाकई में नहीं होते, वो धर्म और जात संप्रदाय से बहुत ऊपर होता है, लेकिन फिर भी एक सभ्यता की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए। ये मेरे ख्याल से बचपन से ही हमें माता पिता और हमारा समाज सिखाता है, और जो मेरे ख्याल से सभी लोगों को ऑलरेडी पता होता है। तो ये बात कितनी सही है या गलत है, ये मैं मेरे ख्याल से जो भी दर्शक हैं उन तक छोड़ देता हूँ,
लेकिन मेरे मन में तो कभी ख्याल आया ही नहीं, क्योंकि मैंने जो माता पिता ने मुझे बताया उसको सही समझा, और मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे शायद कोई ऐसा कभी ऐसा कोई कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी जिसमें मेरा परिवार या मेरा समाज या मेरे आसपास के लोग शर्मसार होंगे। तो अब जहाँ तक बात रही श्रद्धा की, तो श्रद्धा के अपने कुछ कारण रहे होंगे जिस पर उसने आफ्ताब के साथ में गई हो, कि इसको हम सिर्फ लव एंगल से ना देखें। मैं आप लोगों से या सभी लोगों से मैं यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इसमें कुछ बहुत बड़ा है, इसको सिर्फ ये ना सोचा जाए। या फिर मैं ये भी सोच सकता हूँ कि ऐसे और भी जो केसेस हुए हैं, इसके पहले यहाँ ऐश्वर्या अग्रवाल का केस हुआ था, वो भी कुछ ऐसा ही केस था, यहीं विरार का केस था, उसको भी इसी तरीके से काटा गया था, वो भी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। तो ये दूसरा केस है, मैं अपने दोस्ती में सुन रहा हूँ जिसके साथ में ऐसा हो रहा है। तो इसके पीछे कुछ चीजें हैं जो हम भाप सकते हैं, हम कुछ अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़े कारण होते हैं जिसकी वजह से मर्डर होता है, और वो कारण जो मृतक है उसके साथ चला जाता है। जी, हमारे साथ में थे रजत शुक्ला जी, श्रद्धा के साथ में पढ़े थे। जिस तरह से श्रद्धा की हत्या आफ्ताब ने किया था, उसके बाद पूरा देश चिंतित हो चुका है कि क्या प्रेम यही है। हालांकि कहा जाता है प्रेम में जाति धर्म कुछ नहीं है, प्रेम बस प्रेम होता है। लेकिन जब ऐसे कोई हादसा हमारे सामने आते हैं, ऐसा कुछ खौफनाक मंजर सामने आते हैं, हत्या अलग है, लेकिन इस तरह की हत्या ये उस व्यक्ति के विचार को दिखाती है। तो इस पर सोचना होगा। आज पूरा भारत सोच रहा है और कई चीजें इसमें हैं जो वक्त के साथ निकल के सामने आएगी। हम आपको हर खबर दिखाते रहेंगे, आपको हर एंगल बताते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ में रही पंडित, ओके न्यूज़ विरार।